नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एम्स के लिए मंच सज चुका है। आमरण अनशन करेंगे सांसद महोदय गोपाल जी ठाकुर। कल से 2 अक्टूबर गांधी जयंती से इसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। बारिश हो रही थी, वहां पर भीगते हुए फोटो की तस्वीर खिंचवाई। सर्किट हाउस में तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक की, अपने समर्थकों के साथ बैठक की। सांसद ने पूरी तैयारी कर ली है, अनशन करना है तो करना है और इसके लिए वो पीछे नहीं हटेंगे। और दरभंगा एम्स के लिए वो दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से वो लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उनका आरोप है कि बिहार सरकार का ये सहयोग नहीं मिल रहा है, बिहार सरकार के सहयोग न मिलने के कारण अनशन करना पड़ रहा है उन्हें, और एम्स के लिए वो बेमियादी अनशन करेंगे कल से। और इसको लेकर के अब आवाज़ भी उठने लगी है कि अनशन किस बात का है। 8 पैकेज में टेंडर हो गया और भारत सरकार की टीम आई यहाँ इंस्पेक्शन करने, और दिल्ली में कुछ लोग बैठ करके निगेटिव लिखवा दिए। तो दिल्ली में कुछ लोग बैठ करके, ये आरोप सीधा जो है सांसद गोपाल जी ठाकुर पर ही है कि उन्होंने ही दिल्ली में बैठ करके राजनीति करते हुए इसका काम रुकवा दिया और काम 1 साल डिले हो गया और इसीलिए ये आवाज़ उठ रही है। इतना ही नहीं, गोपाल जी ठाकुर की तरफ से कहा जा रहा है कि एम्स पर राजनीति बिहार सरकार कर रही है और राजनीति छोड़ें और सहयोग करें। इस पर क्या कहना है संजय झा जी का, सुनिए आप। हड़ताल किसके खिलाफ कर रहे हैं? हड़ताल किसके खिलाफ कर रहे हैं? धरना पे जो बैठ रहे हैं, बिहार सरकार तो ऑलरेडी बोल रही है कि यहाँ बनाना है, वहीं जाके धरना दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि यही बनना चाहिए। तो हम ही लोग बोल रहे हैं पहले से, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि यहाँ बनना चाहिए। आप लोग जाकर के कैंसिल करवा दिए दिल्ली से और 1 साल लेट कराया। मिथिला में एक कहावत है, मैथिली में बोल देता हूँ, लिखो भैया मिटबो अबैया, दोनों हाथ से अबै, मिटाना दोनों हाथ से आता है, लिखने नहीं आता। वही कहावत, अरे करने आता है तो नहीं, प्रोजेक्ट को रोकने आता है तू तो पूरा आता है, हो रहा है। तो सुना आपने, मैथिली में उन्होंने जो कहावत कही सीधा सीधा ये कि मिटाने आता है तो आता है और बनाने आता है तो नहीं आता है। तो पूरा पूरा आरोप संजय झा ने जो लगाया वो गोपाल जी ठाकुर पर। हालांकि गोपाल जी ठाकुर कह रहे हैं नाला निर्माण तो करा नहीं पाया और DMCH का विस्तार करने की बात कर रहे हैं। इस पर भी जवाब दिया, पलटवार किया संजय झा ने, सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को दिक्कत नहीं, वहां बनता है, जल्दी से भरवा दीजिए। कैसे भरवा दीजिए? NOC आएगा तभी ना भरवा दीजिए। 300 करोड़ रुपया जनता का पैसा है, आप कल हम भरवा दे, आप कहिए कि नहीं यहाँ नहीं बनाए तो क्या होगा? आप NOC भिजवाएंगे स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार से, पहले तो प्रधानमंत्री जी को गुमराह कर दिए कि बन गया ये, देखे थे ना आप लोग, देखे ना आप लोग कि एम्स बन गया दरभंगा। तो वो NOC आ जाएगा, जिस दिन NOC भारत सरकार से आ जाएगा उसके अगले दिन से वहां मिट्टी भरे का काम शुरू। तो जल्दी से कैसे भरवा दें, NOC दिलवाइए, अनशन छोड़िए, यही सवाल है कि अनशन किस बात का है? केंद्र सरकार आपकी है, स्वास्थ्य मंत्रालय आपका है, तो अनशन किस बात का है? सीधा आप NOC दिलवाइए। बिहार सरकार के तरफ से कहीं कोई समस्या नहीं है, डेवलपमेंट में हम लोग राजनीति नहीं करते हैं कहीं। और नीतीश कुमार जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जब भी विकास की बात आई है उन्होंने कभी राजनीति सुनी। तो संजय झा जी कह रहे हैं कि बिहार सरकार की तरफ से कोई समस्या नहीं है, आज अगर आप NOC दिलवाएंगे कल से काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि टेंडर की प्रक्रिया ऑलरेडी फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी थी। 8 टेंडर जारी हो गया था और जल्द से जल्द इसको भरवाने का काम करने के लिए 300 करोड़ रुपया जो है वो देने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है और इसमें बिहार सरकार बिल्कुल तैयार है। लेकिन जो डिले हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? और ये अनशन की जो बात हो रही है तो आखिर ये अनशन कब तक चलेगा, कौन तोड़वाएगा? क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से तो कोई जाएगा नहीं तोड़वाने, अनशन कैसे टूटेगा, कितने दिन चलेगा? और ये जो पूरे खेत और खलिहान में जो ग्रीन फील्ड एरिया है उसमें आप अनशन कर रहे हैं वहाँ जा कर के, तो वहाँ पर कितने दिन होगा और कितने दिन आप रह पाएंगे? क्योंकि वहाँ पर बड़ी समस्या है, रहने की स्थिति नहीं है वहाँ पर। तो देखना होगा कि ये अनशन जो शुरू होगा इसका आखिर अंत कैसे होगा और क्या होगा। तो फिलहाल तो ये है कि अनशन पर बात है और अनशन के बाद देखते हैं कि कुछ अच्छी खबर सामने आती है या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आज होंगे, अब देखते हैं। दरभंगा रॉक्स, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।